बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लॉस्ट्रिडियम टेटनिक के बारे में। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनिक की कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सी चीज़ क्लॉस्ट्रिडियम टेटनिक कॉज करवाती है। ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो कि इसका किस चीज़ की रीजन बनेगा, टेटनस की। ठीक है, क्या होगी, स्पोर्स आर वाइड स्प्रेड इन द सॉइल। इसके जो स्पोर्स होंगे आपको सॉइल में मिलेंगे। द पोर्टल ऑफ एंट्री इज यूजुअली अ वुंड साइट। इस जगह से हमारी बॉडी में एंटर होगा, ये वुंड साइट से एंटर होगा। ठीक है, स्पेशली पंक्चर वुंड। अ कंटामिनेटेड अम्बिलिकस और सर्कमसीजन वुंड इज अ मेजर प्रॉब्लम इन सम डेवलपिंग कंट्रीज। कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जिस वक्त बेबी की बर्थ होती है, ठीक है, उस वक्त उसका जब अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप करके काटते हैं, उस टाइम पे अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सीजर लीड यूज की जाती है, ठीक है, अगर वो सीजर स्टरलाइज ना हो तो उससे बेबी के अंदर टेटनस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो सर्कमसीजन के दरमियान अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज ना किया गया हो तो उसमें भी टेटनस होने के जो चांसेस हैं, टेटनस डेवलप करने के, वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसकी अभी हम टॉक्सिन की बात करते हैं। कौन कौन सी इसमें टॉक्सिन है, ए बी न्यूरोटॉक्सिन, जिसको एक्सोटॉक्सिन भी बोलते हैं। और बेसिकली ये है क्या, न्यूरोटॉक्सिन होती है काम करते क्या है, टेटनस कॉज ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसने काम क्या करना होता है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके रिलीज को ब्लॉक करना होता है, यानी कि कंटिन्यूस स्टिमुलेशन होगी, उस स्टिमुलेशन को अपोज करने के लिए जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं ये उनको रिलीज होने से रोकेगी, ये वाली जो न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक है, जब कंटिन्यूसली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो हमारे जो मसल्स होंगे वो कंटिन्यूसली क्या होंगे, एक्साइट होंगे, एक्साइट होंगे, क्या होंगे, कॉन्ट्रेक्शन होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगी। पैथोजेनेसिस क्या होती है, टेटनस टॉक्सिन इज एन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव सेल्स एट द वुंड साइट। ठीक है, ये एक्सोटॉक्सिन है जिसका नाम क्या है, टेटनोस्पाज्मी, प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव सेल्स, यानी कि इसके स्पोर्स जब किसी भी वुंड के अंदर एंटर होंगे उस जगह पे जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट होने के बाद ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। दिस पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन इज कैरिड इंट्रा एक्सोनली रिट्रोग्रेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर इट बाइंड्स टू गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक्स रिलीज ऑफ इनहिबिटरी मीडिएटर्स, एग्जांपल ग्लाइसिन एंड गामा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड, और जिसको गाबा का नाम दिया जाता है। ठीक है, एट स्पाइनल साइनेप्सिस। इसमें होता क्या है कि जिस वक्त ये पॉलीपेप्टाइड जो टॉक्सिन है ये वुंड साइड पे रिलीज होगी तो ये रिट्रोग्रेड यानी कि बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी, जिस तरफ से न्यूरॉन पेरिफेरल की तरफ आ रही है उससे यानी कि अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी टुवर्ड्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। काम इसने उधर जाके क्या करना है, इसने जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी रिलीज को ब्लॉक कर देना है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं, गाबा एंड ग्लाइसिन। ठीक है, सिनेप्स का आप लोगों ने आई गेस पढ़ा होगा, एफएससी में भी था। ठीक है, अगर किसी को ना समझ आए तो पूछ सकता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। टेटनस टॉक्सिन एंड बोटुलिनम टॉक्सिन आर अमंग द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस नोन। जो टेटनस टॉक्सिन है और दूसरी कौन सी है, बोटुलिनम टॉक्सिन, ये जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा नोटोरियस टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, दे आर प्रोटीएज दैट क्लीव्स द प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन मीडिएटर रिलीज। ये मेनली ये है कि चीज ये प्रोटीएज है यानी कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देंगे, उनकी ब्रेक डाउन करवा देंगे। जब ये उन प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं जो कि स्पेसिफिक मीडिएटर्स को रिलीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टेटनस प्लाज्मिन जो मीडिएटर किस चीज की रिलीज का बायस है, ग्लाइसिन और गाबा की रिलीज का बायस है, उसको ये क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, उसके ब्रेक डाउन कर देंगे। जब उसके ब्रेक डाउन कर देंगे
तो गाबा या ग्लाइसिन जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो रिलीज नहीं होंगे। जब वो रिलीज नहीं होंगे तो होगा क्या कि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कंटिन्यूसली रिलीज होते रहेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा मिकदार में क्या होगा, जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होने की वजह से कॉन्ट्रेक्शन जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हाइपर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स हो जाएगी। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसमें क्या होंगे, टेटनस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग मसल स्पैज्म। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग मसल स्पैज्म होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस और टेटनी। स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड लॉकजा। ठीक है, लॉकजा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अब्रप्ट मसल कॉन्ट्रेक्शन। इसको ट्रेस्मिस का नाम भी दिया जाता है, ड्यू टू रिजिड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द जॉ मसल्स विच प्रिवेंट्स द माउथ फ्रॉम ओपनिंग। इससे क्या होगा, जो मुंह को खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि मसल्स फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके अगेंस्ट, जी उसके अगेंस्ट जो उसको ओपन करना काफी मुश्किल होता है। अ करैक्टरिस्टिक ग्रिमेस नोन एज राइसिस सार्डिकोनस एंड एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्सेस। और उसके अलावा क्या होगा, एक करैक्टरिस्टिक है जिसको राइसिस सार्डिकोनस, और उसके अलावा जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर जाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सेस के नाम आते हैं आप लोगों को, नी रिफ्लेक्स, नी जर्क जो है। ठीक है, ये वाले जो रिफ्लेक्सेस हैं, अगर वो रिफ्लेक्सेस हम उस पेशेंट पे परफॉर्म करें, ये बहुत ज्यादा एग्जेजरेट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अब्रप्ट होंगे। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद है ओपिस्थोटोनिस, अ प्रोनाउंस्ड आर्चिंग ऑफ द बैक। ओपिस्थोटोनिस में क्या होगा कि जो बैक होगी वो एक आर्क की शक्ल अख्तियार कर देगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, जो बैक के मसल्स होंगे, जो एक्सटेंसर्स हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो बैक है वो बेड के साथ टच नहीं हो रही होगी। ठीक है, जो हील होगी वो टच हो रही होगी, उसके अलावा जो हेड होगा वो टच हो रहा होगा, लेकिन जो बैक है वो टच नहीं हो रही होगी। ठीक है जी, होते हैं इनमें जब ये अलामत आ जाएंगी, दैट मीन्स दैट इज एंड स्टेज। उसके बाद इस पेशेंट को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये पेशेंट सरवाइव कर सके। ठीक है, इनको फिर बस ये मुझे बता रहे हैं कि लेट गेम इशू होगा, मोबाइल इशू होगा, या मतलब वॉकिंग में भी जिस टाइम पे इनको ये इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे वॉक करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब वैसे एंड स्टेज। क्योंकि वॉक में क्या होगा, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फ्लेक्सर को अगर कॉन्ट्रैक्ट कराया तो जो एक्सटेंसर है वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो सारे मसल्स होंगे पूरी बॉडी के वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो वॉक करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अ प्रोनाउंस्ड आर्चिंग ऑफ द बैक ड्यू टू स्पैज्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक, इट ऑफन सीन रिस्पायरेटरी इंसर्स। इसमें क्या होगा, रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाएगा। रिस्पायरेटरी फेलियर कैसे होगा, इसमें उसमें जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं वो फुली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो रिलैक्स नहीं होंगे। ठीक है, रिलैक्स नहीं होंगे तो वो डायरेक्ट होके एयर को रिसीव नहीं करेंगे, जब रिसीव नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड के अंदर वो रुक जाएगी। अ हाई मोर्टेलिटी रेट इज एसोसिएटेड विद दिस डिजीज। इस डिजीज के साथ जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। नोट दैट इन टेटनस स्पास्टिक पैरालिसिस, इसमें पैरालिसिस कौन सा होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस। ठीक है, एक फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, फ्लैसिड में क्या होता है कि मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होगा, मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से पैरालिसिस हो रहा है, तो इस वजह से इसको स्पास्टिक पैरालिसिस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रेक्शन। वेयर इन बोटुलिज्म फ्लैसिड पैरालिसिस भी लगता है। ठीक है, बोटुलिज्म में फ्लैसिड होगा और जो टेटनिस है उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस होगा। बोटुलिज्म में क्या होगा, वीक और एब्सेंट मसल कॉन्ट्रेक्शन अकर्स। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या होगा, देयर इज नो माइक्रोबायोलॉजिक और सीरोलॉजिक डायग्नोसिस, ऑर्गेनिजम्स आर रेयरली आइसोलेटेड फ्रॉम द वन साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बहुत कम इसकी जो सीरोलॉजिक डायग्नोसिस की जाती है, ऑर्गेनिज्म को रेयरली जो वुंड से अगर फॉर एग्जांपल स्वैब कल्चर वगैरह लें तो वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी प्रोड्यूसेस अ टर्मिनल स्पोर्स, इसमें टर्मिनल स्पोर्स होते हैं, आई अ स्पोर एट द एंड ऑफ द रॉड, जिस तरह टेनिस रैकेट अपीयरेंस है ना, टेनिस का जो रैकेट होता है उसकी जिस तरह की अपीयरेंस है, इसी तरह की अपीयरेंस होती है, और जिस साइड पे रैकेट का वो गोल सा हिस्सा होता है उस तरह के इसके स्पोर्ट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टेनिस रैकेट अपीयरेंस होगी। ठीक है, इस तरह की इसकी अपीयरेंस होगी, और ये वाला जो पोर्शन है, जो डायलेटिक पोर्शन है, ठीक है ना, इस एरिया में आप लोगों को स्पोर्ट्स मिलेंगे।
ये इसकी डोरमेंट फॉर्म है, ठीक है। इस कंडीशन में ये सॉइल में पड़े होते हैं, और जब भी कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, ठीक है, या जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाए ड्यूरिंग सर्कमसीजन, ठीक है, और उसके अलावा बिल्कुल क्लैंप कर काटने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे इसके ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा पंक्चर वुंड्स में दिस गिव्स द ऑर्गेनिज्म द कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ अ टेनिस रैकेट, यानी कि वही चीज है, इससे एक स्पेसिफिक अपीयरेंस इसको मिलती है जिसको टेनिस रैकेट अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें क्या करेंगे, टेटनस अमीनोग्लोबुलिन टेटनस एंटीटॉक्सिन इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन, इसमें क्या करेंगे एटीएस देंगे, टेटनस जो टेटनस अमीनोग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, टेटनस इज प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन विद टेटनस टॉक्साइड, इसमें टेटनस टॉक्साइड के थ्रू इम्यूनाइज किया जाता है पेशेंट को इन चाइल्डहुड एंड एवरी 10 ईयर्स देयर आफ्टर, यानी कि इसकी जिस वक्त बच्चे को वैक्सीनेशन की जाती है, ठीक है, ईपीआई शेड्यूल के मुताबिक उसमें टेटनस की वैक्सीन इंक्लूड होती है, डीपीटी वगैरह आप लोगों ने डिप्थीरिया प्रोटोसिस एंड टेटनस टॉक्साइड डीपीटी जो वैक्सीन है, ठीक है, उस तरह जितने भी इसका स्पेसिफिक शेड्यूल के मुताबिक इसकी वैक्सीनेशन की जाती है। जब वैक्सीनेशन कम्प्लीट हो जाती है तो वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के हर 10 साल बाद दोबारा इसको वैक्सीनेट किया जाता है ताकि उसकी बूस्टर डोज दी जाती है, ठीक है, जो एंटीबॉडीज हमारे जिस्म के अंदर बनी हुई है उनको बूस्ट किया जाता है, ठीक है, हर 10 साल बाद। टेटनस टॉक्साइड इज यूजुअली गिवन टू चिल्ड्रन इन कॉम्बिनेशन विद डिप्थीरिया टॉक्साइड एंड द एसेलुलर पर्टुसिस वैक्सीन, इसको क्या बोलते हैं डिप्थीरिया टॉक्साइड एंड पर्टुसिस वैक्सीन, ठीक है, डिप्थीरिया की होती है, ठीक है, और पर्टुसिस की वैक्सीन के साथ इसको लिया जाता है, कुछ इस तरह की अपीयरेंस होगी जिस वक्त इसके अलामत सामने आ जाएंगे, ठीक है, आर्चिंग ऑफ द बैक हो जाएगी, ठीक है, ऑफ कोर्स डेथ हो जाएगी, क्यों डेथ होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की बात करते हैं, लोकेशन इसकी क्या होगी, सॉइल वाटर इम्प्रॉपर कैनिंग कैंड फूड जो होती है, जो फॉर एग्जांपल ये टिन पैक के होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो कैंड फूड होती है जी कैंस के अंदर जो फूड अवेलेबल होती है पाकिस्तान में तो बहुत कम है, लेकिन बाहर वाले जो कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है जी जीआई ट्रैक्स ऑफ एनिमल्स, उसके अलावा एनिमल्स की जीआई ट्रैक्स में मिलता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी इंटॉक्सिकेशन फूड बॉर्न, ठीक है, ये फूड बॉर्न है, खाना खाने जो इन्फेक्टेड फूड होते हैं उसमें मिलेगा, टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म इसमें खुद नहीं होता, यानी कि ये फूड के ऊपर टॉक्सिन रिलीज करेगा, प्रीफॉर्म टॉक्सिन को जब हम इंजेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन्फेंट इंजेक्शन ऑफ द एंडोस्पोर सोर्स, वो गुट्टी देते हैं ना बच्चे को, अगर वो जो शहद वगैरह होते हैं इस तरह प्रिजर्व किया गया हो कैंस के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर उस एंडोस्पोर उसमें मौजूद हो और उन्होंने टॉक्सिन रिलीज की हो तो उस बच्चे में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म की वजह से, ठीक है। उसके अलावा वुंड में एंडोस्पोर जा सकते हैं और उसकी कपे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म यानी कि इसकी जो डिजीज है उसका नाम भी क्या है बोटुलिज्म, जिस तरह क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है वो टिटनस का असर होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो है वो बोटुलिज्म का असर होता है। ट्रांसमिशन कैसे होती है, स्पोर्स वाइड स्प्रेड इन द सॉइल, किस जगह पे मिलेंगे सॉइल में, कॉन्टामिनेट वेजिटेबल्स एंड मीट्स, ठीक है, व्हेन दीज फूड्स आर कैन और वैक्यूम पैक्ड विदाउट एडिक्वेट स्टरलाइजेशन स्पोर्स सर्वाइव एंड जर्मिनेट इन द एनर्बिक एनवायरनमेंट, यानी कि जिस वक्त कैंड फूड को प्रिजर्व किया जाता है उसको वैक्यूम कर दिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, वो कुछ अर्सा के बाद वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब खत्म हो जाएगी ये वाले जो स्पोर्स होंगे ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, जब जर्मिनेट करेंगे तो उस जगह पे अपने जो टॉक्सिन हैं उनको रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, और जब उन प्रीफॉर्म टॉक्सिन को हम इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, उस वक्त फिर बोटुलिज्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कैंड फूड एंड इंजेस्टेड प्रीफॉर्म्ड, ठीक है,
इसको इंजेस्ट किया जाता है जो परिफॉर्म टॉक्सिन होती है. द हाईएस्ट रिस्क फूड्स आर अल्कलाइन वेजिटेबल्स सच एज ग्रीन बीन्स पेपर्स एंड मशरूम्स एंड स्मोक्ड फिश. टॉक्सिन इज रिलेटिवली हीट लेबाइल. ठीक है, अगर इसको गर्म किया जाए तो यानी ये इसके जो टॉक्सिन है इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है. इट इज इनएक्टिवेटेड बाय बॉइलिंग फॉर सेवरल मिनट्स. अगर इसको कुछ अर्सा तक कुछ मिनट तक फूड को बॉयल किया जाए तो इसकी जो टॉक्सिन है उसके जो इफेक्ट हैं उसको नलीफाई किया जा सकता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है. दस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कुकिंग. तो इस डिजीज से बचने के लिए अगर कुकिंग अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से की जाए तो उससे बचा जा सकता है. ठीक है, बोटुलिज्म है क्या चीज? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म प्रोड्यूसेस एन एक्सट्रीमली लीथल न्यूरोटॉक्सिन दैट कॉजेस अ रैपिडली फेटल फूड पॉइजनिंग. इसकी वजह से क्या होगा, एक एक्चुअल न्यूरोटॉक्सिन ये भी रिलीज कर रहा है. न्यूरोटॉक्सिन ने उसमें जो टेटनस में न्यूरोटॉक्सिन रिलीज हो रही थी उसने एक्साइटेटरी जो प्रोसेस है उसको बूस्ट अप करना है. कैसे करना है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स थे उनकी जो रिलीज है उसको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, इसमें क्या है, इसने पैरालिसिस करवा देना है, यानी कि एक्साइटेशन को ये ब्लॉक करेगा. बोटुलिज्म जो है न्यूरोटॉक्सिन ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. तो इसने एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी जो रिलीज है उसको ब्लॉक कर देना फ्रॉम presynaptic nerve terminals in the autonomic nervous system and motor and plates causing flaccid muscle paralysis. ठीक है, इसने जो presynaptic यानी के synapses में एक presynaptic membrane होती है, एक postsynaptic यानी के जो spinal cord या brain की तरफ से जो पैगाम लेके आ रही है, ठीक है, वो कौन सी होगी, presynaptic. ठीक है, और जिसको पैगाम आगे दिया जाता है वो कौन सी होती है, postsynaptic. ठीक है, और उनके दरमियान में जो स्पेस होती है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट करवाना दिया जाता है. ठीक है, तो परिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से इसने काम क्या करवाना है कि एसिटाइलकोलीन की रिलीज को ब्लॉक कर देना है. ठीक है, जब एसिटाइलकोलीन रिलीज ही नहीं होगी तो जो नेक्स्ट जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो एक्साइट नहीं होगी. जब वो एक्साइट नहीं होगी तो आगे मसल को एक्साइट नहीं करेगी. जब मसल को एक्साइट नहीं करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा. ठीक है, मसल की जो कॉन्ट्रेक्शन है वो होगी नहीं, तो उसी चीज को नाम क्या देते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस. Botulinum toxin is absorbed from the gut and carried by the blood to the peripheral nerves synapses where it blocks release of acetylcholine. यानी कि ये गट के थ्रू एब्जॉर्ब होगी. गट के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के थ्रू किस जगह तक पहुंचेगी, नर्व टर्मिनल्स तक पहुंचेगी, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन को जाके ये इनहिबिट करेगी. इट इज अ प्रोटीएज दैट क्लीव्स द प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन एसिटाइलकोलीन रिलीज. ये भी एक प्रोटीएज है. दोनों टेटनस और क्लोस्ट्रिडियम टेटनी और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म की जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं वो प्रोटीएज हैं मेनली. ठीक है, ये भी प्रोटीएज है. इसने काम क्या करना है कि एसिटाइलकोलीन की रिलीज के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर होता है उस प्रोटीन की इसने ब्रेक डाउन करवा देनी है. ठीक है, द टॉक्सिन इज अ पॉलीपेप्टाइड इनकोडेड बाय लाइसोजेनिक फेज. ठीक है, अलोंग द टेटनस टॉक्सिन इट इज अमंग द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस नोन. यानी कि टेटनस टॉक्साइन जो टेटनस न्यूरोटॉक्सिन है और उसके बाद जो न्यूरोटॉक्सिन बोटुलिज्म. ठीक है, ये दुनिया में सबसे लीथल टॉक्सिन है. इनकी वजह से अगर किसी को ये अच्छे तरीके से इफेक्ट कर दे तो उनका फिर उस पेशेंट का जो बचना है वो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है. अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो डेथ कन्फर्म होती है. Laboratory diagnosis. The organism is usually not cultured. Iska organism ko bhi culture nahi kiya jata hai. Botulinum toxin is demonstrable in uneaten food and the patient serum by mouse protection test. Isme jo botulinum toxin hai uski demonstration ki jati hai. Kaise ki jati hai, jo uneaten food hoti hai ya patient ka jo serum hota hai usse ye toxin alada ki jati hai aur usko mouse ke upar mouse mein inject kiya jata hai. अगर तो उसके बाद क्या माउस प्रोटेक्शन टेस्ट से बोलते हैं इसमें करते क्या है, माइस माउस आर इनोकुलेटेड विद अ सैंपल ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेन एंड विल डाई अनलेस प्रोटेक्टेड बाय एंटीटॉक्सिन. यानी कि उसमें क्या करेंगे, माउस में इंजेक्ट करेंगे. अगर उसको एंटी टॉक्सिन ना दिया जाए, जो इसका जो एंटीडॉट है अगर वो ना दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, अगर डेथ हो जाए दैट मीन्स कन्फर्म दैट दिस इज बोटुलिनम टॉक्सिन. ठीक है, और में भी एक या दो माइस लेते हैं. ठीक है, उसमें एक में इंजेक्ट दोनों में इंजेक्ट करते हैं, एक को एंटीडॉट देते हैं और दूसरे को नहीं देते. ठीक है, अगर
उसकी डेथ हो जाए और दूसरा बच जाए, दैट मींस इट विल कंफर्म दैट दिस इज बोटुलिनम टॉक्सिन, क्योंकि बोटुलिनम का ही एंटीडोट दिया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीटॉक्सिन इज गिवन अलोंग विद रेस्पिरेटरी सपोर्ट, इसमें पैरालिसिस हो चुका होता है, ठीक है, इसलिए हमें मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत होती है। मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू पेशेंट को सांस दिया जाता है, ठीक है, जैसा हो जाएगा फिर क्या किया जाएगा, उसको एंटीटॉक्सिन दी जाएगी। प्रिवेंशन, इस तरह इसको प्रिवेंट किया जाता है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल एंट एंड वैक्यूम पैक्ड फूड्स इज एसेंशियल, उन सब चीज़ों की जिस जो इसके सोर्सेज हैं उनकी स्टरलाइजेशन, प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना जरूरी है। फूड मस्ट बी एडिक्वेटली कुक टू इनएक्टिवेट द टॉक्सिन, जो फूड होगी, जो प्रिजर्व फूड पड़ी होती है, जिन फूड्स की हमने बात की है, जिनको हमने दोबारा से कुक करना होता है, उनको अच्छे तरीके से कुक करना चाहिए, ठीक है। Swollen glands must be discarded. जो हमने फूड ले ली है, इंटेक कर लिया, उसके जो glands वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है। Clostridial protolytic enzymes form gas which swells can. जो भी canned food होगी, अगर उसमें Clostridium जो उसमें क्लोस्ट्रिडियम के प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होंगे उनकी वजह से अगर ज्यादा अर्से तक वो कैंड फूड को प्रिजर्व किया जाएगा तो कैंड जो कैंड फूड होगे वो स्वेल अप हो जाएंगे, वो कैंस जो होंगे उनकी जो अपनी जो स्ट्रक्चर होगी वो बिगड़ जाएगा। अगर कैंड फूड आप ले रहे हो और उसका जो कैंस है वो जिस तरह नॉर्मली होने चाहिए उस तरह के नहीं है, ठीक है, कहीं से उनकी वो डिफॉर्मेशन हुई है, दैट मीन्स इट माइट बी बिकॉज ऑफ Clostridium botulinum, ठीक है। Clostridium botulism क्या botulinum जो उसके प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उसके प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करेंगे, उसकी वजह से क्या होगी, गैस बनेगी, गैस की वजह से क्या हो सकता है कि वो जो कैंस हैं वो स्वेल हो सकते हैं। हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स प्रोड्यूस डेडली टॉक्सिन अपॉन जर्मिनेशन, जो हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं जो कुकिंग से भी डेड नहीं होंगे वो क्या करेंगे, डेडली टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे अपॉन जर्मिनेशन, जिस वक्त वो जर्मिनेट हो जाएंगे। कैपेसिटी टू जर्मिनेट स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, जो जर्मिनेशन की कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि उनको उनका सूटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है, वही सेम चीज। उसके बाद बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल की, जी आई सोर्स है इसका, इस सोर्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू। एपिडेमियोलॉजी लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, क्रोनिक एंटीबायोटिक यूज, उसके अलावा फीकल ओरल रूट, ठीक है। क्रोनिक एंटीबायोटिक यूज की वजह से क्या होगा कि जो दूसरे नॉर्मल फ्लोरा है नॉर्मली ये उसी हमारी कोलोन के अंदर नॉर्मली पाया जाता है नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर एंटीबायोटिक का प्रोलॉन्ग यूज किया जाए और वो एंटीबायोटिक दूसरे फ्लोरास को किल कर दे और ये किस तरह बच जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी टेरिटरी के अलावा दूसरी जो उन दूसरे ऑर्गेनिजम्स की नॉर्मल फ्लोरा की टेरिटरी होगी उस जगह पे जाके भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। नॉर्मल फ्लोरा दूसरी टेरिटरी को जब इंक्लूड करेगा, इन्वॉल्व करेगा, तो इसकी जो तादाद होगी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ये अपनी जगह से फैलना स्टार्ट हो जाएगी, जब फैलेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या होगी, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। डिजीज कोलाइटिस सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, उसको नाम देते हैं कोलाइटिस सुडोमेम्ब्रेन, इधर लिखा हुआ है लेकिन उसको सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है, यानी कि ये मेम्ब्रेन कोलोन के अंदर एक मेम्ब्रेन बना देगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा क्या है, सीकल परफ्यूरेशन, और जो सीकम होती है लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है जिसका नाम क्या है, सीकम, और सीकल पोर्शन की ये परफोरेशन करवा सकती है, ठीक है, परफोरेशन समझते हो, yes। Clostridium difficile causes antibiotic associated pseudomembranous colitis, antibiotic associated क्यों इसे बोला जा रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक का जब हम यूज करेंगे जो दूसरे नॉर्मल फ्लोराज होंगे वो किल हो जाएंगे, उनके किल होने के बाद ये क्या करेगा, आप जिस एक स्पेसिफिक एरिया तक ये रहता है, ठीक है ना, जब वो स्पेसिफिक एरिया से ये बाहर फैलना स्टार्ट करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके स्प्रेड होके अपनी तादाद में इजाफा करेगा और उस जगह पे एक सूडो मेम्ब्रेन बना देगा, एक सूडो का मतलब होता है झूठी, ठीक है, मींस फॉल्स, एक फॉल्स मेम्ब्रेन बना देगा, उस फॉल्स मेम्ब्रेन ने करना क्या है, जो कोलोन है उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा और उसकी वजह से कोलोन की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है।
Clostridium difficile is most common nosocomial hospital acquired cause of diarrhea. Nosocomial का मतलब होता है hospital acquired, जो hospital से ही infection लगी उसे hospital acquired या nosocomial infection का नाम देता है, ठीक है? Hospital acquired diarrhea करवाती है. Transmission. The organism is carried in the gastrointestinal tract in approximately 3% of the general population. जो 3% general population है उसके ये GI tract में normally present होता है and up to 30% of the hospitalized patients. और उसके अलावा जो 30% hospitalized patients होते हैं उनके GI tract में ये present होता है, colon के अंदर present होता है. ये जो 3% population की बात कर रहे हैं इनमें ये sign and symptoms produce नहीं करता, ठीक है? Normally हर एक GI tract में नहीं होगा. ये जो 3% है इनके GI tract में ये ज्यादा normal flora बैठा रहता है, ठीक है? उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा. लेकिन जब भी ऐसा कोई अमीनो कंप्रोमाइज होगा पेशेंट या एंटीबायोटिक्स किसी वजह से ले रहा है तो उनके अंदर ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा. मोस्ट पीपल आर नॉट कोलोनाइज्ड व्हिच एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट पीपल हु टेक एंटीबायोटिक्स डू नॉट गेट थ्रू द मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है? जो मोस्टली पीपल लोग हैं वो क्या है कि अगर उनको एंटीबायोटिक्स दी भी जाए तो उनके अंदर सुडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी जो इंटेस्टाइन है, उनकी जो कोलोन है, उनके अंदर ये नॉर्मली कोलोनाइज नहीं होते. जिनकी कोलोन के अंदर ये कोलोनाइज होंगे, जिनकी कोलोन के अंदर ये रहते होंगे, ठीक है, उनके अंदर सुडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. जब कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं तो डॉक्टर इन ऑर्गेनिजम्स को कवर करने के लिए भी साथ में एंटीबायोटिक ऐड कर देता है ताकि ये भी साथ में किल, ठीक है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जब भी ली जाती है तो मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो जी इन एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया के लिए भी एंटीबायोटिक्स ऐड कर देते हैं ताकि इनको भी साथ में किल किया जा सके. मेट्रोनिडाजोल अगर साथ में ऐड कर दी जाती है, मेट्रोनिडाजोल के लिए इनफ है. अगर मेट्रोनिडाजोल ना ऐड की जाए तो उसके अलावा वैंकोमाइसिन ऐड कर दी जाती है. वैंकोमाइसिन के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय द फिको ओरल रूट. किस तरह ट्रांसमिट होगी? फिको ओरल रूट के थ्रू. यानी कि फिको ओरल रूट का मतलब आप समझे, ठीक हो गया. द हैंड्स ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल आर इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट. यानी कि जो हॉस्पिटल पर्सनल है उसके हैंड्स जो है, यानी कि जो बंदा हॉस्पिटल में काम करता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, पैरामेडिक्स, पेशेंट, नर्स, ठीक है, उनके जो हाथ है उनमें इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. वो एक इम्पोर्टेंट मीडिएटर है इस इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन तो नहीं है लेकिन ये एक नोसोकोमियल इन्फेक्शन है, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है. Pathogenesis. Antibiotics suppress the drug-sensitive membranes of normal flora. ठीक है, normal flora जो drug-sensitive normal flora है उनको suppress करेगी. ये आगे pathogenesis कैसे problem create कर रहा है. Allowing the Clostridium difficile to multiply and produce exotoxin A and P. जब वो suppress होंगे तो Clostridium difficile जो है वो multiply होगा और एक्सोटॉक्सिन जो कि ए और बी एक्सोटॉक्सिन है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा. बोथ एक्सोटॉक्सिन ए एंड बी आर ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम दैट ग्लाइकोसाइलेट एड ग्लूकोज टू आर जी प्रोटीन कॉल्ड रो जीटीपीएस, ठीक है? यानी कि ये दोनों जो एक्सोटॉक्सिन ए है और एक्सोटॉक्सिन बी है, ठीक है, ये एंजाइम्स हैं. इन्होंने काम क्या करना है कि जी प्रोटीन को GTPase, यानि के एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करवा देंगे. जब उसको एक्टिवेट करवाएंगे द मेन इफेक्ट ऑफ एक्सोटॉक्सिन बी इन पार्टिकुलर इज टू कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ एक्टिन, ठीक है? एक्टिन का आपको पता है क्या चीज है? मसल का स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है आप लोगों ने, एक्टिन मायोसिन, ठीक है? इसने करना क्या है, डीपोलीमराइजेशन ऑफ उसके जो पॉलीमर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करवाना है, ठीक है? उसके जो पॉलीमराइजेशन होता है कि एक लॉन्ग चेन, काफी सारे जब एक्टिन मिलेंगे तो उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है? डीपॉलीमराइजेशन यानी कि उसकी जो पॉलीमराइजेशन है उसकी ब्रेक डाउन करवाना. इस जो एक्सोटॉक्सिन बी है इसने क्या करवाना है, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द एक्टिन रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ साइटोस्केलेटन इंटीग्रिटी एपोप्टोसिस. यानी कि इसने साइटोस्केलेटन जो होता है इंटेस्टाइन का उसकी इंटीग्रिटी को लॉस करवाना है, उसको और उसकी इंटीग्रिटी को
ब्रेकडाउन करवाना है और उसकी एपोप्टोसिस करवाते हैं। एपोप्टोसिस क्या होती है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, ठीक है, एंड डेथ ऑफ द एंटेरोसाइट। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब इंटीग्रिटी लॉस होगी तो हमारे बॉडी उसे डिटेक्ट करेगी कि ये सेल अभी ठीक नहीं है, उसकी एपोप्टोसिस करवा देगी। जब एपोप्टोसिस होगी तो उससे क्या होगा, एंटेरोसाइट्स आहिस्ता आहिस्ता डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। Clindamycin was the first antibiotic to be recognized as the cause of pseudomembranous colitis. इस बैक्टीरिया को बढ़ावा देने वाली जो ड्रग है, ठीक है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि दूसरे जो नॉर्मल फ्लोरा है उनको सप्रेस करती है, वो कौन सी है? फर्स्ट ड्रग है जिसको देखा गया था, Clindamycin। बट मैनी एंटीबायोटिक्स आर नोन टू कॉज दिस डिजीज। जितनी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि काफी सारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कवर कर रही हैं, ठीक है ना, और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम जो उसमें से बच जाते हैं उन एंटीबायोटिक से। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जितनी भी हैं वो सारी की सारी सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करवाती है, लेकिन क्लिंडामाइसिन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ये सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करवाती है। एट प्रेजेंट थर्ड जनरेशन स्पेलोस्पोरिंस आर द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, थर्ड जनरेशन स्पेलोस्पोरिन बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है। Because this, they are so frequently used. Ampicillin and fluoroquinolones are also commonly implicated. Ampicillin भी काफी यूज हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा थर्ड जनरेशन यूज हो रही है स्पेलोस्पोरिंस, ठीक है। उसके अलावा fluoroquinolones ये इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही है, ampicillin काफी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये भी काफी हद तक क्या कॉज करवाती है, pseudomembranous colitis, ठीक है। इन एडिशन एंटीबायोटिक कैंसर कीमोथेरेपी आल्सो प्रेडिस्पोजेस टू द pseudomembranous colitis। एंटीबायोटिक्स के अलावा जो कीमोथेरेपी है, जो कैंसर के लिए हम करते हैं, वो भी pseudomembranous colitis कॉज करवाती है। वो कैसे कॉज करवाएगी? जो कीमोथेरेपी होती है वो हमेशा क्या करवाती है, इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, ठीक है। जब भी इम्यूनिटी को सप्रेस करेगी तो उस वक्त क्या होगा, ये हमारे जो बैक्टीरियाज हैं ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ये क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ है तो उनको क्या कहते हैं कि उनको अपोज करने के लिए कोई ना कोई आगे रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसल रेयरली इन्वेड्स द इंटेस्टाइनल मुकोसा, ये नॉर्मली ये इन्वेड नहीं करता, यानी कि इंटेस्टाइन तक ही रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर वो सुडोमेम्ब्रेन बना देगा, उसके ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देगा। लेकिन अगर इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एड्स पेशेंट हैं, ठीक है, टीबी के पेशेंट्स हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो, उनमें इसको अपोज करने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा तो उन लोगों में ये इन्वेड कर सकता है, ठीक है। लेकिन यूजुअली ये कोलोन को इन्वेड नहीं करेगा। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कॉजेस डायरिया एसोसिएटेड विद सुडोमेम्ब्रेनस, यानी कि ये डायरिया कॉज करवाएगा किस चीज़ के साथ, सुडो मेम्ब्रेन के साथ जो एसोसिएटेड होगा ऑन क्रोनिक म्यूकोसा। द डायरिया इज यूजुअली नॉट ब्लडी, ब्लडी डायरिया नहीं होगा, एंड न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड इन द स्टूल इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस। अगर हाफ ऑफ द केसेस में स्टूल एग्जामिनेशन किया जाए तो स्टूल एग्जामिनेशन में न्यूट्रोफिल्स का जो लेवल है वो हाई मिलेगा, ठीक है। फीवर एंड एब्डोमिनल पेन ऑफन अकर्स, उसके अलावा फीवर भी होगा और एब्डोमिनल पेन भी होगा। न्यूट्रोफिल्स की फाइंडिंग जो है वो इसके लिए डायग्नोस्टिक नहीं है, क्योंकि ये हाफ पेशेंट्स में मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है इट डजंट मीन दैट दिस पेशेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। इसमें फीवर भी होगा, एब्डोमिनल क्रैम्पी, एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है। टॉक्सिक मेगाक्लोन कैन अकर, इसमें टॉक्सिक मेगाक्लोन जो क्लोन है उसका जो साइज है, यानी कि क्लोन डायलेट कर सकती है, ठीक है। एंड सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द क्लोन मे बी नेसेसरी, अगर टॉक्सिक मेगाक्लोन हो जाए, जब टॉक्सिक मेगाक्लोन होगी तो उसके अंदर जो जो फूड होगी, ठीक है, जो वेस्ट मटीरियल्स होंगे वो स्टे करना स्टार्ट कर देंगे। जब भी उस जगह पे हैं, किसी जगह पर बॉडी के अंदर वेस्ट मटीरियल स्टे करते हैं तो उस एरिया के अंदर इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब टॉक्सिक मेगाक्लोन होगी तो उसके अंदर भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन होगी तो आगे आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के दूसरे पार्ट्स यानी कि पेरिटोनियम तक एक्सीड करेगी, पेरिटोनाइटिस काज कर सकती है, पेट के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं उनको इन्वॉल्व कर सकती है। इसलिए अगर उसको ट्रीट ना किया जा सके तो जो मेगाक्लोन है उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। Pseudomembranous colitis can be distinguished from the transient diarrhea that occurs as a side effect of many oral antibiotics, ठीक है, by testing for the presence of the toxins in the stool. दूसरे जो normally antibiotics
टेक करने से जो डायरिया होते हैं उनसे इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है, स्टूल के अंदर इसके टॉक्सिन्स को देखा जाता है। अगर स्टूल के अंदर इसके टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो दैट मीन्स दिस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाई, अगर इसके टॉक्सिन्स प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ एनी अदर एंटीबायोटिक। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, द प्रेजेंस ऑफ एक्सोटॉक्सिन इन द फिल्ट्रेट ऑफ अ पेशेंट स्टूल स्पेसिमेन इज द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस। कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है कि अगर स्टूल के अंदर इसके टॉक्सिन्स मिले, ठीक है, इट इज इनसफिशियंट टू कल्चर द स्टूल फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाई बिकॉज पीपल कैन बी कोलोनाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट हैव डिजीज। यानी कि इसको कल्चर करके हम ये डायग्नोस नहीं कर सकते कि इसको सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है बिकॉज ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, क्योंकि नॉर्मली कई लोगों के कोलोन के अंदर ये कोलोनाइज होता है, नॉर्मली ये कई लोगों के कोलोन के अंदर रहता है। ठीक है, तो हम उसी वक्त इसको डायग्नोज करेंगे अगर स्टूल के अंदर इसकी टॉक्सिन्स में मिले। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट यूजली यूज्ड टू डिटेक्ट द एक्सोटॉक्सिन, एलाइजा एंड साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट इसमें क्या किया जाता है, द पॉजिटिव एंटीबायोटिक्स शुड बी विथड्रॉन जो एंटीबायोटिक इसकी कॉज बन रही है, जिस एंटीबायोटिक की वजह से सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो रहा है उसको विथड्रॉ किया जाए, उसको रोक दिया जाए। ठीक है, ओरल मेट्रोनिडाजोल और वैनकोमाइसिन शुड बी गिवन एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। इसमें मेट्रोनिडाजोल दी जा सकती है जिसको फ्लैजल के नाम से जानते हैं मोस्टली लोग, ठीक है, और उसके अलावा वैनकोमाइसिन दी जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा अगर डायरिया हो रहा है, डायरिया की वजह से फ्लूइड लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, तो उसको कवर अप करने के लिए फ्लूइड रिप्लेस किया जाता है। प्रिवेंशन, देयर आर नो प्रिवेंटिव वैक्सीन और ड्रग्स, इसके लिए कोई प्रिवेंटिव वैक्सीन या ड्रग अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, कुछ इस तरह के ये देखते हैं मेम्ब्रेन्स बना देगा। ठीक है, नॉर्मली इस तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ये आप देख रहे हैं जिस तरह की पस होती है आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाएगी। बाद इस पिक्चर में अगर आप देखें तो टोटली इसने क्या किया है, कोलोन को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जी, नॉर्मली तो अगर टॉक्सिक मेगाकोलोन हो तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।